नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और अभी हम गांव में घूम रहे थे तो हमको एक बहुत ही अच्छा चीज़ दिख गया। तो ये देखिए, ये है धान का खेती। भले आदमी साल भर कुछ नहीं करे, लेकिन ये जब धान रोपने का समय आता है ना, तो लोग एक्टिव हो जाते हैं गांव के लोग, क्योंकि ये जीवन से जुड़ा हुआ है। अगर धान नहीं उगाएगा, धान नहीं होगा तो हम लोग के थाली में जो चावल होता है वो नहीं हो पाएगा। दुनिया में कितनों करोड़पति इंसान है, लेकिन उसको पालने वाला खिलाने वाला किसान ही होता है, जो अपना खेती में धान गेहूं, मक्का, तिल ये सब रोपते हैं। और इधर इधर रोपा रोपी हो रहा है। और हम लोग के तरफ कल रात में बहुत सुंदर बारिश हुआ, जिसके चलते एक ही दिन में काया पलट हो गया। हमको उम्मीद नहीं था, जिस तरह से 3 दिन पहले का अगर हम व्यू देखेंगे तो पूरा सुखाड़ जमीन जमीन था, मतलब नमी था मिट्टी में, लेकिन सूखने के कगार में था। लेकिन कल जो पानी आया, और कल रात में जो हल्का फुल्का जो पानी बरसा, दिन में हल्का बरसा और मोटा बारिशें वाला है, तो इस कारण खेती अच्छा होने का चांस है। और कहा जाता है कि 15 अगस्त से पहले जो धान रोपा गया वो 90% चांस रहता है कि अच्छा उसमें फसल आएगा, और 15 अगस्त के बाद जो पानी में रोपाया उसमें थोड़ा सा कम चांस रहता है। गाइज, अभी हम आप लोग को अपना खेत दिखा रहे हैं जो धान का काट होने वाला है। ये खेत है, कादो किया हुआ नहीं है, लेकिन एक जोतैया हो गया है। और ये मेरा धान है, और ये वाला क्यारी है जो एल बना हुआ, ये मेरा क्यारी है, उधर किसी और का है। और फिर इधर थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। और ये मेरा पूरा लंबा सा तालाब, बड़ा सा ये तालाब तो है, लेकिन इसमें अगर मछली उछली डालते तो ठीक, लेकिन इसके अनुसार पानी उनी है नहीं। अब हमको कुछ समय के बाद हमको इसको भरना पड़ेगा। हमको लग रहा है कि 5 घंटा 7 घंटा जैसे भी चलेगा, 5 घंटा में इसको बराबर कर देगा। तब हमको लगता है कि तालाब का कोई उपयोग है नहीं, इसको खेत बनवा दिया जाएगा। कोई सरकारी योजना आएगा तो तालाब खेत बना दिया जाएगा। अब इधर अगल बगल में खेती हो रहा है, इधर भी खेती हो रहा है। हम लोग का रात से लाइन गड़बड़ है, तो हम लाइन देखने आए थे पलास उलास लेके, तो हमारा लाइन यहाँ से गड़बड़ नहीं है, कहीं कनेक्शन मतलब हम लोग का घर तक लाइन जा रहा है, लेकिन कट करके जा रहा है, कहीं ना कहीं इस तारे में फॉल्ट है। और तार हो गया है बहुत पुराना, इसी के चलते लाइन नहीं आ रहा है। हमको लग रहा है सिंगल फेज हो गया है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। मेरा चेहरा और मौसम आप देख लीजिए, मौसम एकदम सुहाना है। आज हम लोग का था MNP ड्राइव, पूरा हम लोग का साहेब कल एकदम पूरा जूम कॉल में पूरा भंजले है कि सुबह सबको 4 बजे उठेगा और सबको 4 बजे एक्टिविटी निकलेगा। जो लोटा लेके खेत में जा रहा है उसको पकड़ के MNP के बारे में समझाना है, उसका फ्री में पोट करना है। सुबह सुबह लोटा लेके जा रहा है, मोबाइल लेके टॉर्च जला के उसको बोलना है कि आइए हमारे से MNP करवा लीजिए, 1 महीना फ्री देंगे, डाटा और रिचार्ज महंगा हो गया है। तो ये करना नहीं था, कॉमेडी हो गया। लेकिन हम पूरा 4 बजे बोले थे कि निकलने के लिए, और 4 बजे भोर से जो पानी मार रहा है, सब कान में रुई डाल के सो गया होगा। हमारा सिम बेचने का काम है गाइस, आप लोग तो जानते ही है, सिम बेचने वाला काम है, सिम और रिचार्ज तो उसी में लगे हुए हैं। मेरे दूर क्यारी में मकई लगा हुआ है, कि क्यारी दिख रहा है, खेत है मेरा मकई का, बीच बीच में छोटा छोटा हुआ मकई है, मकई ठीक है दिख रहा है। आखिरी खेत है, जीने खाने भर, मतलब साल भर का धान हो जाता है, साल भर का गेहूं हो जाता है। छोटा परिवार है 5 आदमी का, और कुछ खरीदना पड़ता है। आज अभी हम घर आ चुके हैं, और आज सुबह से पानी लगा रहा है। खिड़की बंद हो गया तो सुबह से पानी ही पानी है।
अभी भी पानी गिर रहा है और मेरी मलकिनी चेहरा दिखा दे रहे हैं। मलकिनी सोई हुई है। डॉलर डायमंड हम लोग का दोनों डॉग भी सोया हुआ है, एक यहाँ है। क्योंकि बारिश के चलते इन लोग का भी उत्तन पतन हो गया है गाइस। अरे इसको खेलना नहीं। तो गाइस यहाँ तक आप लोग देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगले दिन अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।